नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में ईदगाह के गुंबद को किसी असामाजिक लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो वह ईदगाह पहुंचे और पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ईदगाह का निरीक्षण कर रही है। झांसी के समथर थाना में धान की फसल में वाटर पंप से लग रहे वही इस दौरान एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि समथर निवासी 45 साल की पप्पी के खेत में पानी लगा रहा था, इसी दौरान साड़ी इंजन में फंसने से वो घायल हो गई। वही लोगों ने जब डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पानी लग रहा था धान में, तो इंजन चल रहा था, उसी में साड़ी बिगड़ गई। साड़ी बिगड़ गई इंजन में? इंजन में। क्या हुआ? वो एक्सपायर, डॉक्टर को बताया। कैसे आप लोगों को कैसे जानकारी हुई आपकी? वहाँ चाचा थे ना खेत पे, तो वो खेत से आए, उन्होंने सूचना की, फोन किया वहाँ से। एक युवक और वृद्ध के आपस में मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दरअसल वायरल वीडियो एक हफ्ता पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस का दावा है कि यह वीडियो करीब एक हफ्ता पुराना है। वही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद दोनों पक्षों की सुलह करवी दी है। रापुर तिहारा कांड पर कल फैसला आएगा। ये पूरा मामला 1994 के आंदोलन का है, जब पुलिस ने लोगों पर फायरिंग किया था। इस दौरान करीब 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हरदोई में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने छात्रों की समस्याओं को दूर करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने 27 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। डीएम के ना पहुंचने पर कुछ देर बाद मौजूद लोगों ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर चले गए। इससे पहले 7 दिन होते डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था, उसके लिए हम लोग उसमें दिन लग गए थे। 7 दिन में अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती उस पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो आज टाइम दिया गया था वो आज हम लोगों का हो चुका था, इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज आंदोलन के रूम में डीएम को ज्ञापन दिया है। भाई के साथ बाजार से खरीदारी कर मायके जा रही महिला को उसके पति ने मारी गोली। महिला और उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने विधि विधान से शंख और घड़ियाल बजवाते हुए प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को पत्र सौंपा, जिसमें सांगवान पोल्ट्री फार्म को बंद किए जाने की मांग की गई है। जनपद हरदोई में आज एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था, जिन्होंने एक गांव में जहां मुर्गी पालन के फार्म हाउस को लेकर के विवाद है, वहां काफ़ी दिन से मक्खियां इत्यादि आ रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। पिछले दिनों इसमें कुछ कृषक बंधुओं ने भी पानी टंकी चढ़ के प्रदर्शन किया था, तो प्रशासन के संज्ञान में है। सत्य है कि सोते हुए प्रशासन को जगाना है। वह प्रशासन जिसे 50,000 आबादी की तकलीफ नहीं दिख रही, आप देख रहे हो सांगवान पोल्ट्री फार्म जो डही कुइयां गांव में स्थित है, उस पोल्ट्री फार्म की गंदगी, मल और मरी हुई मुर्गियों, सड़े हुए अंडों के मलबे की वजह से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव की आबादी मक्खियों के प्रकोप से त्रस्त है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी ने किया। बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं मेरा माटी मेरा देश अमृत महोत्सव के तहत भी कई कार्यक्रम किए गए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।